नमस्ते, मैं भारती दत्ता। बाय प्रोफेशन आई एम अ जूनियर कॉलेज लेक्चरर, मुंबई से हूँ। और इस ध्यान में मुझे अभी 5 महीने ही हुए हैं और बहुत अनोखे तरीके से मैं PSSM से जुड़ी। इट वॉज समवेयर मिड वीक ऑफ जुलाई जब मैंने YouTube स्टार्ट किया और एक छोटा सा वीडियो मेरे सामने आया। उसमें मुझे एक साधु बाबा जैसे इंसान दिखे जो एक सिंपल पैजामा कुर्ते में बैठे हुए दिखे और सिर पे एक पिरामिड जैसा टोपी पहना हुआ था। तो उनकी वो सिंप्लिसिटी, और जब मैंने उस वीडियो को सुना, 3-3.5 मिनट का वीडियो था, मुझे बहुत अलग लगा। वेरी सिंपल, कुछ तो भी अट्रैक्टिंग थिंग था उनमें। पता चला उनका नाम है सुभाष पत्री जी। इमीडिएटली मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश शुरू की कि ये है कहाँ, कहाँ से हैं। और मन में एक विल आया कि मुझे जाके इनसे मिलना है। ऐसे पिछले 10 सालों में मैं बहुत जगहों पे गई हूँ, ध्यान सीखा है, मेडिटेशन सीखा है, बट तब भी कुछ खाली खाली था। समथिंग मिसिंग, समथिंग मोर आई वॉन्टेड टू नो अबाउट माई सेल्फ, माई लाइफ, पर्पस ऑफ द लाइफ। सो ये वीडियो ने मुझे ऐसे फील करवाया जैसे मुझे मेरे इन प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। मैंने इनके बारे में सर्च करना शुरू किया, गूगल करना शुरू किया। और जो नेक्स्ट वीडियो मेरे हाथ में आया था वो था 24th of July, जहाँ पे मैंने देखा कि पत्री जी ने अपना बॉडी वेकेट कर दिया। वो दिन मेरे लिए बहुत बड़ा सदमे का दिन था। मेरे अंदर एक टोटल वैक्यूम हो चुका था। मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन उनको किया कि आपने मुझे बुलाया, आई वॉज प्रिपेयर्ड टू कम एंड मीट यू, वाई डिडंट यू वेट? कुछ समय तो आप रुक सकते थे ना, आप इतने जल्दी क्यों चले गए? सो दैट पर्टिकुलर डे, इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट, वो जो इमोशंस मेरे अंदर था। हाँ, हंसू, रो, क्या करूँ नहीं पता, वो पूरा दिन कैसे गया मुझे कुछ भी याद नहीं है। देन आई स्टार्टेड सीइंग, वॉचिंग मोर ऑफ हिज वीडियोज। उनमें पता चला पिरामिड के बारे में, पिरामिड एनर्जी के बारे में। एज आई सेड, बाय प्रोफेशन आई एम अ मैथ्स टीचर, तो ज्योमेट्री में पिरामिड्स हमने पढ़ा था, बट एकदम से ध्यान से हमने कभी पिरामिड एनर्जीज के बारे में नहीं जाना था। तो पत्री जी के वीडियोस में मुझे ये दिखना शुरू हुआ। तो मैंने गूगल किया और पता लगाया कि मुंबई में पिरामिड है कि नहीं है। तो मुझे मुंबई में मुलुंड पिरामिड देव ज्योति सेंटर का पता चला। मैं खुद रहती हूँ चेंबूर में, काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है। एंड मन में आया इतना दूर जाना, ध्यान करना पॉसिबल नहीं है, सो व्हाट नेक्स्ट? एंड दैट क्वेश्चन आई हैड थ्रोन स्ट्रेट अवे टू पत्री जी कि मेरे से तो इतना दूर जाना होगा नहीं, आई नीड सम अदर ऑप्शन। तो मैंने गूगल किया कि पिरामिड मास्टर चेंबूर में कौन है, और मुझे यहाँ की सीनियर पिरामिड मास्टर का नंबर और जगह का पता चला। दैट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग टू मी। वो जिस एरिया में रहती है, मैं भी उसी एरिया में रहती हूँ चेंबूर में। इमीडिएटली मैंने उनको कांटेक्ट किया और वो जस्ट मेरे ऑपोजिट बिल्डिंग में निकली। और इस तरीके से आप बोल सकते हो मेरी यात्रा PSSM के साथ शुरू हुई। मेडिटेशन, आनापानासति मेडिटेशन स्पेशली जो पत्री जी ने दिया है, वो इतना आसान और इतना इफ़ेक्टिव है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। पहले भी मैंने काफ़ी मेडिटेशंस किए हैं, शून्य मेडिटेशंस ये सब मैंने किए थे, बट जब तक हम करते थे उसी के साथ रहते थे, उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन, मुंबई की फास्ट जिंदगी के अंदर विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रेशर्स, क्वेश्चन मार्क्स, फास्ट लाइफ,
कॉम्पिटिशन। तो ये मेडिटेशन जैसे मैंने शुरू किया, रोज 2 घंटे मैं बैठती थी, ये 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता है, जैसे ऐसा लगता है एक झपकी लिया और 2 घंटे निकल गए। इससे जो एनर्जी, तो कॉस्मिक एनर्जी आई एम गेटिंग, काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं मेरे अंदर। पहले कोई भी डिसीशन मैं हेस्टीली लिया करती थी या बहुत लाउड वे पे मैं प्रेजेंट करती थी, बट आज किसी के लिए भी, किसी भी चीज़ पे मेरी रिएक्शंस नहीं होती है, मेरी रिस्पॉन्ड होती है। कुछ जगहों पे तो मैं शायद रिस्पॉन्ड भी नहीं करती हूँ, उनको वैसे ही छोड़ देती हूँ और चीज़ें अच्छे की तरफ जा रही है। एज आई सेड, आई गॉट वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पिरामिड्स, सो मैंने पिरामिड बनाना सीखा यही वीडियोज़ देख देख के। और पिरामिड एनर्जी से मेरे घर में जो पॉजिटिविटी आई है, एज फार एज मनी इज़ कंसर्न, करियर इज़ कंसर्न, रिलेशनशिप्स बिटवीन मेम्बर्स ऑफ द फैमिली इज़ कंसर्न, मैंने इन 4 महीनों में जो देखा है, इतने सालों में मैंने कभी महसूस नहीं किया। इनफैक्ट ये मेडिटेशन, पथरी जी का दिया हुआ ये मेडिटेशन, आनापानासति मेडिटेशन, मेरे लाइफ को आई वोंट से 360 डिग्री चेंज किया, इनफैक्ट 720 डिग्रीज चेंज किया। आज आई एम फुल ऑफ एनर्जी, हैप्पीनेस, देर इज़ नो वैक्यूम इनसाइड मी, एंड फुल डे अकेले रह के भी आई एम सो ऑक्यूपाइड, एंड दिस आई कैन सी व्हेन आई स्पीक टू माय सेम दोज ओल्ड फ्रेंड्स, एंड दे सी द डिफरेंस एंड टेल मी कि भारती देर इज़ सम चेंज इन यू, एंड दैट इज़ अ पॉइंट आई टेल देम कि आप लोग भी शुरू करो, हम लोग यहाँ हैं आपको सिखाने के लिए। मैंने तो अभी तक ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है, बट आई एम रेडी टू टीच। वाई? बिकॉज ये मेडिटेशन इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि इट्स जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इसे समझ नहीं पाओगे। सो एक ही चीज़ है, जितने भी व्यूअर्स है देख रहे हैं, कि इस मेडिटेशन को कीजिए, गेट इन टच विथ PMC हिंदी चैनल, उसे सब्सक्राइब कीजिए। एवरी डे यू गेट समथिंग विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू एड अप इनटू योर लाइफ, इम्प्रूव योर लाइफ, एंड यू कैन सी द डिफरेंस। जैसे मैंने कहा है कि मैं एक टीचर हूँ, ट्यूटर हूँ, मैंने ये मेडिटेशंस अपने स्टूडेंट्स पे भी आजमाया है, पिरामिड कैप के साथ। उन बच्चों का सिर्फ 20 मिनट्स बिफोर आई स्टार्ट विद द क्लास मैं मेडिटेशन करवाती हूँ, और जो एक एवरेज बच्चा था आज वो फुल मार्क्स ले रहा है अपने पेपर्स में, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो गया, जो चीज़ें उसको याद करने में बहुत समय लगता था स्टूडेंट्स को, आज वो बहुत जल्द कर रहे हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे जो मैंने अपने आप को कनेक्ट किया है, और ये मेडिटेशन क्यों मुझ पर ज़्यादा वर्क कर रहा है, मेरी लाइफस्टाइल पूरी नॉन वेजिटेरियन, कट्टर नॉन वेजिटेरियन आई वॉज, ठीक है, बिना मच्छी भात के हमारे घर में खाना कोई खाता नहीं था। बट जैसे मैंने आनापानासति शुरू किया पथरी जी के साथ, मेडिटेशन करते करते मुझे नॉनवेज से नफरत होनी शुरू हो गई है। यस, आई यूज़ द वर्ड नफरत, मुझे अभी बिल्कुल नॉनवेज पसंद नहीं है, और इसकी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मुझे अपने अंदर भी दिख रहा है। और मैं सभी से कहूँगी कि लाइफ में 2 चीज़ को इंक्लूड करो, एक आनापानासति मेडिटेशन और दूसरा वेजिटेरियंस बनना है, पूरे पृथ्वी को वेजिटेरियन बनाना भी है, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। सो आई विल एंड अप सेइंग दैट एनरोल योर सेल्फ विद PMC हिंदी चैनल, और डे टू डे आपको ऑनलाइन भी मेडिटेशंस के लिए वर्कशॉप्स मिलेंगे, प्लस पथरी जी ने बहुत सारे पिरामिड मास्टर्स बना दिए हैं, यू कैन गेट इन टच विद देम एंड गेट द बेनिफिट ऑफ आनापानासति मेडिटेशन। थैंक यू।